हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है स्टे एज यू आर, जिसे डायरेक्ट किया है अल्बर्टो लेटुआडा ने। और बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो गार्डन में घूम रहा होता है और उसका नाम ग्यूलियो होता है। फिर वहाँ वो एक लड़की को देखता है और उससे पूछता है यहाँ का गार्डनर कहाँ मिलेगा, और वो उसे इशारा करते हुए बताती है। फिर वो गार्डनर के पास जाता है और उससे कहता है मैं एक आर्किटेक्चर हूँ और मैं एक गार्डन बना रहा हूँ, यहाँ पर एक डायना का स्टैचू है, वो मुझे ख़रीदना है। लेकिन वो गार्डनर उसे कहता है यहाँ की कोई भी चीज़ बिकाऊ नहीं है। तभी वो लड़की वहाँ से गुजरती है जिसे देखकर गार्डनर उससे कहता है तुम्हारी बस तो छूट गई होगी, तुम घर कैसे जाओगी। तभी ग्यूलियो उसे कहता है अगर तुम थोड़ी देर वेट करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो चली जाती है। कुछ देर के बाद ग्यूलियो अपनी कार लेकर निकलता है और उसे फिर वो लड़की दिखती है। तभी वो उसके पास जाकर कार रोकता है और उसे कहता है क्या तुम कार में आना चाहोगी, और वो लड़की कार में बैठ जाती है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। उस लड़की का नाम फ्रांसिस्का है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, और वो उसे कहती है उसके पास एक टैलेंट है, वो किसी भी आदमी का हाथ देखकर उनके बारे में पता कर लेती है। तभी ग्यूलियो कहता है मेरा हाथ देखकर बताओ। फिर वो उसे कहती है तुम्हारे हाथ मुझे छूना चाहते हैं, लेकिन वो उसे मना करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो एक जगह अपनी कार रोकता है, वो फ्रांसिस्का से कहता है कि मैं 2 मिनट में आया, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। फिर फ्रांसिस्का उससे कहती है क्या तुम मुझसे डरते हो, और उसके हाथ पर किस कर लेती है। फिर वो कार से उतरकर किसी से मिलने चला जाता है और फ्रांसिस्का उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद ग्यूलियो वापस आता है और वो देखता है फ्रांसिस्का किसी और के साथ लिफ्ट लेकर जा रही है। जब वो अपनी कार में बैठता है तब उसे एक नोट मिलता है जिसमें फ्रांसिस्का अपना नंबर लिखकर गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस्का उसे अपने घर बुलाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर दोनों काफ़ी बातें करते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद ग्यूलियो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलता है और वो दोनों बातें करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं है और उसकी एक बेटी भी है। जब वो वहाँ बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ फ्रांसिस्का अपने फ्रेंड के साथ आती है, वो ग्यूलियो को हेलो कहकर चली जाती है। फिर उसका दोस्त उससे कहता है क्या तुम उसे जानते हो, तब ग्यूलियो कहता है बस 1-2 दिन से। तभी उसका दोस्त उसे बताता है वो तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है और फ्लोरा 5 साल पहले मर चुकी है, जिसे सुनकर वो दुखी होता है। फिर उसका दोस्त उसे कहता है कि वो फ्लोरा से भी खूबसूरत है लेकिन तुम पर नहीं गई है। तभी ग्यूलियो एकदम चौंक जाता है, वो उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे नहीं पता ये अफवाह है या सच, लेकिन फ्लोरा के दोस्त का कहना था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। लेकिन ग्यूलियो उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि जब हम अलग हुए थे उसके 1 महीने बाद ही फ्लोरा ने शादी कर ली थी और ये मेरी बेटी नहीं है। फिर वो इस बात को कंफर्म करने के लिए फ्लोरा के दोस्त के पास जाता है और वो उसे बताती है कि फ्लोरा की बेटी का जन्म फ्लोरा की शादी के 7 महीने बाद ही हो गया था। ग्यूलियो उससे पूछता है क्या फ्लोरा ने इसके बारे में तुम्हें कुछ बताया था, तब वो कहती है मैंने उससे पूछा था लेकिन बस उसने एक स्माइल दी थी। इसके बाद हम देखते हैं ग्यूलियो, फ्रांसिस्का और उसकी दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तब फ्रांसिस्का अपनी दोस्त को इशारा करके जाने को कहती है। इसके बाद वो दोनों जब अकेले होते हैं तब फ्रांसिस्का उससे पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। फिर ग्यूलियो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ और मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरी एक बेटी भी है जो तुम्हारी एज की है और मुझ पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है और उसे कहता है कल मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर पहुँचता है और अपनी बीवी से मिलता है। फिर हम देखते हैं उसकी बीवी उससे खुश नहीं है। इसके बाद वहाँ उसकी बेटी अलेक्जेंड्रा आती है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर ग्यूलियो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने ऑफिस में होता है और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो उसे कहता है कि मुझे वो स्टैचू नहीं मिला और मैं कल आपसे मिलता हूँ। फिर वो अपने ड्रॉअर से फ्लोरा की फ़ोटो निकालता है और उन्हें देखने लगता है। फिर अगले दिन वो फ्रांसिस्का को दूर से ही देख रहा होता है। फिर उसके पास फ्रांसिस्का की फ्रेंड आती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। फिर वो उसे बताती है कि फ्रांसिस्का अपने डैड को काफ़ी मिस करती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों मस्ती करने लगते हैं, तभी वहाँ फ्रांसिस्का आ जाती है और वो दोनों को साथ में देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर ग्यूलियो फ्रांसिस्का से मिलने जाता है, तब वो देखता है वो किसी लड़के को अपने साथ घर ले जा रही है।
वो फ्रांसिस्का को कॉल करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो उसे कहता है, जब तक तुम उस लड़के को अपने घर से बाहर नहीं निकालोगी, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। फिर कुछ देर बाद वो उस लड़के को बाहर निकलते हुए देखता है। फिर फ्रांसिस्का वहाँ पर आती है और उसकी कार के शीशे पर किस करती है। इसके बाद गुलियो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रांसिस्का उसके घर उससे मिलने पहुँच जाती है, जिससे उसकी बीवी को उस पर शक होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। एक दिन वो होटल में रुकते हैं, जहाँ फ्रांसिस्का इंटीमेट होने के लिए एकदम रेडी होती है। तब गुलियो वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाकर निकल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील हो रहा था। इसके बाद वो फ्रांसिस्का से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन हम मूवी देखने गए थे और वो वहाँ से बाहर चली गई। मुझे लगा वो कार के पास मेरा इंतजार कर रही है। फिर जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद हम अलग हो गए और मैं रूम चला गया। फिर जब मैं वापस आया तब मुझे लोगों ने बताया कि शायद तुम मेरी बेटी हो। तभी अचानक उसके पास किसी का कॉल आता है, पर जब वो बात करके वापस आता है तब तक फ्रांसिस्का वहाँ से जा चुकी होती है। फ्रांसिस्का काफ़ी दुखी होती है और वो अपने घर में ही रहती है। गुलियो उसे काफ़ी टाइम कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस्का गुलियो को मनाने जाती है और वो उसे कहती है, जिसने मुझे पाल कर इतना बड़ा किया वो मेरे पिता हैं, तुम मेरे पिता नहीं हो। और वो उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करती है। फिर जब गुलियो अपने घर पर होता है तब उसकी बीवी उसे कहती है, मैं कल लंदन जा रही हूँ, तुम्हारे लिए वो लड़की क्यों इम्पोर्टेंट है। तब गुलियो कहता है, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर वो फ्रांसिस्का के साथ रहने का फैसला करता है और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जब एक दिन वो दोनों मूवी देखने जाते हैं तो गुलियो वहाँ पर सो जाता है। जब वो जागता है वो देखता है कि फ्रांसिस्का वहाँ पर नहीं है। फिर वह बाहर जाता है, तब फ्रांसिस्का उसे छुपकर देख रही होती है। इसके बाद वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर फ्रांसिस्का रोने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वो उसकी मॉम को भी छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।